हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीवी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जीन साइलेंसिंग। तो किसी भी जीन का जो एक्सप्रेशन है, जो उसका फंक्शन है, उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। देखिए, बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे ऑन्कोजीन हैं, जो कैंसर काजिंग जीन है, तो उनको अगर साइलेंट करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। या फिर बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स हैं जिसमें कि बहुत सारी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो उन प्रोटीन्स बनाने वाले जीन्स को हम किस तरीके से साइलेंट कर सकते हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहते हैं जीन साइलेंसिंग। और जीन साइलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का नाम है एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। हालांकि एक टेक्नोलॉजी और है, आरएनएआई टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, तो उसको हम अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाया गया है। सपोज डैट कि ये एक जीन है जो कि डिजायरेबल नहीं है, ये एक टॉक्सिन बनाता है जो कि ह्यूमन के लिए डिजायरेबल नहीं है, तो इसका एक्सप्रेशन हमको क्या करना है, साइलेंट करना है, इसके एक्सप्रेशन को हमको ब्लॉक करना है। तो हमको करना क्या होगा, हमको जो है एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोटीन किस तरीके से बनाता है। मोस्ट ऑफ दी लोगों को पता होगा कि भाई ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर प्रोटीन बनेगी। तो हम इस चीज को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। देखिए ये बन जाएगा एमआरएनए, ठीक है। इस चीज को हम लोग देख लेंगे, इसके बाद फिर हम एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, क्या प्रोसीजर है, उसको समझेंगे। पहले इसका हम फंक्शन देख लेंगे, फिर इसको इस फंक्शन को किस तरीके से हम ब्लॉक करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एमआरएनए बन गया, और ये जो एमआरएनए बनेगा ये जो है 5' to 3' एमआरएनए बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, इसका ऊपर वाला ये जो आपको स्ट्रैंड दिख रहा है, ये सेंस स्ट्रैंड है, या फिर इसको प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर माइनस स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है, ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 3' पे जो है यहाँ पे प्रमोटर होता है, और 5' पे टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर का मतलब है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। टर्मिनेटर का मतलब है कि यहाँ पे ये टर्मिनेट कर देगा, जो भी कोडिंग हो जाएगी कंप्लीट, जो है प्रोटीन बनने के लिए इंफॉर्मेशन जो भी है ये यहाँ पे आ जाएगी एमआरएनए में, और यहीं से फिर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है एयूजी जो होता है ये स्टार्टिंग कोडन होता है, यूएए, यूएजी, यूजीए जो है ये स्टॉप कोडन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा एमआरएनए में, ए यू और जी, यहाँ पे क्या बनेगा ट्रिपल जी, और यहाँ पे क्या बनेगा ट्रिपल ए, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो एमआरएनए बना है, ये बना है न्यूक्लियस में, और ये न्यूक्लियस के बाहर जो है जा करके साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में ये जो है राइबोसोम से जा करके अटैच हो जाएगा। तो ये एमआरएनए जो है आ जाएगा यहाँ पे, ये एमआरएनए जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस पे कोडिंग है ए यू जी, और ये जी जी जी, और ये ट्रिपल ए, ठीक है, ये है एमआरएनए। अच्छा, इस ये जो राइबोसोम है इसके पास क्या है, आरआरएनए है और आर प्रोटीन है, इसके पास आरआरएनए और आर प्रोटीन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, यहाँ पे क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। देखिए ये जो एमआरएनए बना है इसको हम बोलते हैं सेंस एमआरएनए, पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं। ये जो एमआरएनए बना है ये सेंस एमआरएनए है, क्योंकि ये जो एमआरएनए है ये सेंस डीएनए स्ट्रैंड के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। जैसे आप देख सकते हो ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पे है, अंतर केवल ये होगा कि जहाँ पे यहाँ टी है यहाँ पे यू होगा। तो देखिए जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पे भी, 3G यहाँ पे है और 3G जो है यहाँ पे है, 3A यहाँ पे है और 3A यहाँ पे है, तो ये सेंस स्ट्रैंड है, ठीक है। अब टीआरएनए का काम क्या होगा, टीआरएनए जो है ये ट्रांसफर आरएनए होता है, आपको पता है। तो टीआरएनए क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड जो है पड़े रहेंगे, साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़े रहेंगे, और टीआरएनए इस पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अमीनो एसिड को ला करके जोड़ देगा, यहाँ पे अमीनो एसिड को ला करके जोड़ देगा। जैसे यहाँ पे मेथियोनिन जो है जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे मेथियोनिन ला करके जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एयूजी का
मतलब क्या है, मेथियोनिन। AUG जो कोड है ये कोड करता है किसको, मेथियोनिन को। ट्रिपल जी जो है ये ग्लाइसिन को कोड करता है, तो यहाँ पे ग्लाइसिन ला करके जोड़ दिया जाएगा। ट्रिपल ए जो है ये लाइसिन को कोड करता है, तो यहाँ पे लाइसिन को ला करके जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, ये जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, और इस तरीके से एक प्रोटीन जो है बन जाएगी। और ये प्रोटीन हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, इस प्रोटीन को हम बनने नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, इस प्रोटीन को हम बनना नहीं देना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इसको रोकना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। किस तरीके से एंटी सेंस आरएनए को यूज करेंगे ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जो मेजर जो है आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए करते क्या है, ये जो जीन है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ये जो जीन है इसको हम जस्ट जो है क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इसका हम एक एंटी जीन जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, इसका हम एक एंटी जीन प्रिपेयर कर लेते हैं। एंटी जीन यहाँ बनाने का क्या मतलब है, कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हम एज ए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कर देंगे, और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब सेंस स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस में और एंटी सेंस को सेंस स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे टी ए सी, और यहाँ पे ट्रिपल सी, और यहाँ पे ट्रिपल टी, ये हो गया। ये क्या है, 3'-5'। इसका जस्ट ऊपर वाला जो है ये स्टैंड यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे टी, और यहाँ पे जी, और ये ट्रिपल जी, और ये ट्रिपल ए। ठीक है, यहाँ पे 5' हो जाएगा और ये 3' हो जाएगा। अब देखिए टेम्पलेट का काम कौन करेगा, 5'-3' करेगा। टेम्पलेट का काम जो है यहाँ पे 5'-3' करेगा। ये हम एंटीजिन बनाने के बाद जो है हम प्लांट के सेल में जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जब सेल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो एमआरएनए बनेगा ये एंटी सेंस एमआरएनए बनेगा, जबकि यहाँ पे सेंस एमआरएनए बन रहा है। इसी टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, यहाँ पे सेंस एमआरएनए बन रहा है, यहाँ पे एंटी सेंस एमआरएनए जो है बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है एंटी सेंस एमआरएनए क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा देखिए यू, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ट्रिपल सी, और ये हो जाएगा ट्रिपल टी। ठीक है, ये बन गया भाई एमआरएनए, और ये क्या है 3'-5', 3'-5'। ये जो है क्या कहलाएगा, एंटी सेंस एमआरएनए कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एंटी सेंस एमआरएनए कहलाएगा। अब ये जो एमआरएनए है ये जस्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री है किस एमआरएनए का, ये जो सेंस एमआरएनए है इसका जस्ट जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आप देख सकते हैं ये जो ए है ये यहाँ पे यू से जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे यू है और यहाँ ए है, तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ सी है और यहाँ, सॉरी, यहाँ जी है और यहाँ सी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम इनको जोड़ देते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए यू जी है, और यहाँ पे ट्रिपल जी है, और यहाँ पे ट्रिपल ए है, और ये स्ट्रैंड जो है यहाँ पे यू ए सी और ट्रिपल सी, और यहाँ पे ट्रिपल टी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट कर करके डबल एमआरएनए, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए जो है इसको टीआरएनए रीड नहीं कर पाएगा। टीआरएनए जो है केवल और केवल सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को रीड कर पाता है, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए को ये रीड नहीं कर पाता है। जब ये टीआरएनए इसको रीड नहीं कर पाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मतलब जो भी अमीनो एसिड है उनको यहाँ पे ये ऐड नहीं कर पाएगा, और ट्रांसलेशन इसका नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी जीन को साइलेंट करते हैं या फिर उसके एक्सप्रेशन को हम रोक देते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।